Hello guys, today I'm going to do unboxing and review of Realme Buds Wireless. So let's get started. ये है Realme Buds Wireless और अब मैं इनको अनबॉक्स करने वाला हूँ. अनबॉक्स करने से पहले आपको इसकी कुछ डिटेल्स दे दूँ. इसमें मैग्नेटिक कंट्रोल है, मतलब जैसे ही आप इनके मैग्नेट्स को हटाएंगे कनेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, और जैसे ही मैग्नेट्स को चिपकाएंगे तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे. और 11 mm का बेस बूस्ट ड्राइवर है, 12 आवर्स का प्ले बैक टाइम है, फ्लेक्सिबल नेकलेस है, ब्लूटूथ 5.0 का भी सपोर्ट है और स्वेट प्रूफ भी है ये. और आगे बस लिखा है रियल मी बर्ड्स वायरलेस और लिखा है रियल बास अनवायर. तो इसको मैं अनबॉक्स करता हूँ. तो ये मैंने इसकी सील को ब्रेक कर दिया है और अब मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ. तो ये बस ऐसे स्लाइड हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये अलग ही कंपार्टमेंट लग रहा है. और मैंने इसको काफ़ी यूनिक कलर ऑरेंज कलर में लिया है, जो बहुत ही कम लोग लेते हैं. ज़्यादातर लोग इसके ओरिजिनल ब्लैक कलर में लेते हैं, लेकिन मैंने नया ट्राई करने के लिए इसको ऑरेंज कलर में लिया है. और एज एक्सपेक्टेड गाइस, बहुत ही कूल और शाइनी है ये. ये मैंने आज तक इससे ज़्यादा प्रीमियम ईयरफोन्स नहीं एक्सपीरियंस करे हैं. जो इसका मेटल है उसकी फील तो बहुत अच्छी है. इसको निकाल के भी अच्छे से देख लेते हैं. और ये थोड़ा सा स्ट्रक हो गया है यहाँ पे. तो इसमें कुछ और बॉक्स कंटेंट्स भी हैं, उनको भी देख लेते हैं. ये यहाँ पे इसके अंदर है चार्जर, बड्स और एक मैनुअल. और इसके सिवा यहाँ पे और कुछ नहीं है, बस कुछ पैकेजिंग है. सो गाइस, ये यहाँ पे निकल चुके हैं और मेरे हाथ में है. यहाँ से आप इसको माइक्रो यूएसबी केबल से चार्ज कर सकते हो, जो इसके बॉक्स पैकेट में इंक्लूडेड भी है. और किसी फ़ोन के चार्जर से भी चार्ज हो जाएगा. यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर है, बीच में रियलमी का साइन भी है. और बाकी गाइस कुछ भी नहीं है. अब मैं इसके बाद आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल्स और इसको टेस्ट करके इसकी साउंड क्वालिटी बताने वाला हूँ. काफ़ी देर तक टेस्ट कर चुका हूँ और इसकी की साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है. साउंड क्वालिटी की बात करने से पहले मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँगा. तो बिल्ड क्वालिटी में काफ़ी पीछे से फ्लैटेंड है वायर और बहुत ही सॉफ्ट रबराइज मटेरियल है, जो कि अपने नेक पे अगर डालते हैं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगता है. और यहाँ पे प्रीमियम मेटल फिनिश है. फिर यहाँ पे एक रबराइज मैश टाइप ऑफ मटेरियल है, जो कि वाटर प्रूफ भी है ये पूरे ईयरफोन. स्वेट वाटर प्रूफ तो नहीं है, लेकिन स्वेट प्रूफ और हल्का सा पानी
लग जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गाइस ये पूल पर्पस के लिए मेंट नहीं है। और अब मैं आपको साउंड क्वालिटी और फीचर्स के बारे में इसके थोड़े बात करते हैं। अभी आप देख सकते हैं फ़ोन का ऊपर ब्लूटूथ सिंबल है और ये डिसकनेक्टेड है। जैसे ही मैं इसको खोलूँगा फ्रैक्शन सेकंड में ये कनेक्ट हो जाएगा। आप देखिएगा अभी मैंने इसको खोला, इसमें एक साउंड आएगी और ये कनेक्ट हो गए। मैं आपको साउंड भी, और जैसे ही मैं इनको क्लिप करा ये डिसकनेक्ट हो गए। आपको मैं साउंड भी सुनाता हूँ। अब देखिएगा जैसे ये कनेक्ट करके तो ये ऐसी साउंड करते हैं कनेक्ट होने पे, और फिर उसके बाद ये कनेक्ट हो जाते हैं। मेरे फ़ोन में लेटेस्ट ब्लूटूथ का वर्जन नहीं है तो इसलिए जो है वो थोड़ा सा टाइम लगा रहा है कनेक्ट होने में, लेकिन अगर आपके पास कोई नया मॉडल है फ़ोन का तो उसके लिए ये लेस देन अ सेकेंड में कनेक्ट हो जाएगा। और गाइज यहाँ पर जो है वॉल्यूम रॉकर है और वो सब चीज़ें हैं, और एक एलईडी इंडिकेटर है। जब ये फुली चार्ज हो जाएगा तो ये ब्लू हो जाएगा, और अगर लो बैटरी होगी तो रेड हो जाता है। हाँ गाइज अब इसकी साउंड क्वालिटी की बात करते हैं। साउंड में बेस तो जैसे आपको पता है इसको एलन वॉकर ने ट्यून करा, और बेस इसकी इतनी ज़्यादा किसी ईयरफोन में नहीं होती, ये मैक्सिमम लेवल लगा मुझे बेस का। और जो है मिड्स भी काफ़ी अच्छे थे और हाईज बहुत ही कंप्रेस्ड थे इसमें। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इसके बॉक्स के पीछे भी लिखा था कि डायनामिक 12 mm के बेस बूस्ट ड्राइवर्स हैं, तो बेस और मेड सब कुछ ये बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं ईयरफोन्स। और वोकल्स भी काफ़ी क्लियर थे और ईयर को बहुत ही न्यूट्रल थे। तो गाइस दैट इज़ इट फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऑसम टेक वीडियोज़।